हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। ये क्या होता है भाई साहब? ये फ्रेम फॉर्मेट जो है ये आपके सामने मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें कई सारे फील्ड्स हैं, एक एक फील्ड के अंदर भाई साहब हम उतरेंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे और इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। बड़े आसान लफ्जों में आप तक कंटेंट डिलीवर करने की मैं कोशिश करूंगा एज यूजुअल, आपका कम से कम समय लेने की मैं भी कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करूंगा। ओके, तो भैया पहले तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ शुरुआत से, यानी कि ये जो शुरुआत के दो फील्ड्स हैं इनसे शुरू करते हैं। ये जो है भैया प्रीएम्बल और एसएफडी। अब इन दोनों के बारे में दोस्तों आपको एक मैं खास बात बताता हूं। ये काम किसका है? ये काम है फिजिकल लेयर का। फिजिकल लेयर ही है जो इन दोनों फील्ड्स को यहां पे ऐड करने की कोशिश कर रहा है। इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल लेयर हेडर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ये है आपका फिजिकल लेयर हेडर जिसमें आपको प्रीएम्बल और एसएफडी देखने को मिल जाएगा। इनका बेसिक काम क्या है? प्रीएम्बल और एसएफडी, इनका बेसिक काम ये है कि जो भी आपके आगे रिसीविंग स्टेशंस हैं उन्हें एक अलर्ट भेजना कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम। ये एक अलर्ट भेजने का काम जो है आपका ये रिस्पेक्टिव फिजिकल लेयर हेडर यानी कि प्रीएम्बल और एसएफडी करता है। अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो नीचे सर्कल्स मैंने बनाए हुए फील्ड्स के नीचे, उन सर्कल्स में जो आंकड़े लिखे हुए हैं इट इज सिंपली नथिंग बट द साइज ऑफ दोज फील्ड्स इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। मतलब ये 7 बाइट का फील्ड है, ये 1 बाइट का, ये 6, 6, 2, 4 बाइट रिस्पेक्टिवली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो अभी इसमें थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करते हैं प्रीएम्बल और एसएफडी को। तो जो आपका ये प्रीएम्बल है भाई साहब, ये प्रीएम्बल कुछ ऐसा सीक्वेंस है, कुछ ऐसा पैटर्न है 10 10 10 10 10 10, इस तरीके से आप वो 7 बाइट तक खींच लो उसको, 7 बाइट तक। ये आपका प्रीएम्बल का जो है एक पैटर्न है 1010 का। और जो आपका एसएफडी है, एसएफडी तो उसके बारे में तो हमने बहुत बात की अभी तक। ओके, स्टार्ट ऑफ द फ्रेम डिलिमिटर। अब ये जो है फ्रेमिंग में हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की थी जो कि बताता है, एक अलर्ट भेजता है आपके स्टेशंस को कि भाई दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। अब ये कैसा है भैया इन टर्म्स ऑफ, अगर इसका पैटर्न देखें तो ये कुछ इस तरीके से, इसमें भी 10 है, फिर से 10 है, फिर से 10 है, लेकिन फिर बाद में 11 है लास्ट में क्या है 11 है। अब ये 11 क्या इंडिकेट करता है? सिंपली इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ द फ्रेम डिलिमिटर, एंड ऑफ दिस रिस्पेक्टिव फील्ड इज इंडिकेटेड बाय दीज 2 11 बिट्स। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग एसएफडी यूज कर रहे थे, इनिशियली एसएफडी यूज कर रहे थे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है एसएफडी का आप देख रहे हो, देर वर चांसेस, देर वॉज सम पॉसिबिलिटी कि ये पैटर्न आपके रिस्पेक्टिव अहेड ऑफ द फील्ड में जो डेटा है उसमें वो रिपीट हो जाए। और अगर वो उसमें रिपीट हो गया, यही पैटर्न आपके एसएफडी का अगर डेटा में दिख गया तो रिसीविंग साइड पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, प्रीएम्बल भी जोड़ दिया। अब प्रीएम्बल ऐसा जोड़ा कि बहुत ही लंबा पैटर्न 10 10 10 10 7 बाइट तक का जोड़ दिया। तो टुगेदर अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे जो ये पैटर्न बन रहा है, ओके, ये पैटर्न इट इज हैविंग वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि इट कैन बी गेटिंग अपेयर, इट कैन अपेयर इन टू द एक्चुअल डेटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो इन दोनों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, टू सेंड अलर्ट टू द रिसीविंग स्टेशन अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम। ये हो गया एक बेसिक सी बात अबाउट दिस, और इसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर हेडर। अब आते हैं भैया 1 2 3, इन तीनों पे आते हैं, यानी कि इस इधर तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी हेडर ही है लेकिन ये हेडर फिजिकल लेयर नहीं है। फिजिकल लेयर का ऊपर का जो है कौन है, इट इज द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का ये हेडर है। ओके, ये काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का है, और ये उसका हेडर है जिसमें हमें देखने को मिलेगा डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। और ये जो है आपका ये लास्ट वाला फील्ड 4 बाइट का जो है, दिस इज सिंपली द टेल। ये आपका टेल है, ये पूछ है, लेकिन बड़े काम की है बिकॉज वहां पे सीआरसी है। ओके, तो अब भैया हम लोग बात करते हैं यहाँ से, इन दोनों की तो बात हो गई, अभी हम लोग डीए और एसए पे आते हैं। डीए एसए, जैसे कि मैंने यार आपको बताया था कि ये आपका लैन है समझ लो, और यहाँ पे बहुत सारे स्टेशंस हैं। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये उनका एड्रेस है। ओके, तो अब मान लो ए को सी को कुछ भेजना है, ए वॉन्ट्स टू सेंड सम फ्रेम टू सी, तो उसकी फ्रेम यहाँ पे तैयार है। अब मैं सिर्फ ये दो फील्ड्स कंसिडर करता हूँ, डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस सी होगा और आपका जो सोर्स एड्रेस है वो ए होगा। बात समझ में आ गई? सोर्स मतलब ये जहाँ से मैसेज भेजा जा रहा है, फ्रेम भेजी जा रही है, और डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब क्या, जिसके लिए वो फ्रेम बना हुआ है, जो रिसीवर है उसका एड्रेस। ओके, तो ये फ्रेम जाएगा। अब ये फ्रेम जब जाएगा तो भाई साहब रिसीव तो सब करने वाले हैं, जितने भी स्टेशन आपके हैं उस पर्टिकुलर लाइन पे, सभी जो स्टेशन है वो रिसीव तो करेंगे,
लेकिन रीड कौन करेगा ये मामला हमें समझना है। तो रीड कौन करेगा उसके लिए हर स्टेशन क्या करता पता है, हर स्टेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ इस रिस्पेक्टिव फील्ड के ऊपर ध्यान देता है कि भाई आखिर इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, इसमें उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो जो 6 बाइट का फील्ड है उसके ऊपर सबसे पहले नज़र जाती है सारे रिसीविंग स्टेशंस की। ओके, तो बी देखता है सी को, अरे ये बोलता है ये तो मेरे से मिलता जुलता नहीं है, मेरा एड्रेस बी है, यहाँ पे सी है, तो इसका मतलब मैं इसे रीड नहीं करूँगा। ओके, डी के पास भी जाता है वो फ्रेम, डी भी देखता है सी को, अरे ये तो मेरा एड्रेस नहीं है, यहाँ पे तो इसी के लिए बना हुआ ये फ्रेम, मेरा तो डी है, तो ये इसे रीड नहीं करेगा। लेकिन जब सी देखता है कि यहाँ पे भी सी ही है, यानी कि ये फ्रेम जो है मेरे लिए है, बिकॉज यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ डी के अंदर, तो वो क्या करता है उसे रीड करता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बिकॉज दिस इज द वैलिड रिसीवर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस को। यहाँ पे याद रखना भाई साहब कि ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस है, यहाँ पे हम मैक एड्रेस कंसिडर करते हैं। What we are considering MAC address, 6 बाइट का जो है MAC address, destination address भी in terms of MAC address होगा, यहाँ पे भी आपका क्या होगा source address in terms of MAC address। और MAC address के बारे में मैंने ढेर सारी information दे रखी है अपने एक वीडियो में जितनी भी चीज़ें MAC address के बारे में मैं कवर कर सकता था वो मैंने किया था, टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ MAC address, वो एक वीडियो में मैंने बनाया है, अपलोड किया है। उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो यार भैया उस वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू मैक एड्रेस और भी बेहतर हो जाए। अब आते हैं भैया अगले फील्ड पे, लेंथ। लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी फ्रेम साइज जो वेरिएबल है तो रिसीवर को पता चलना चाहिए वेयर शुड आई एंड रीडिंग, बराबर कहां जो आपकी फ्रेम है वो खत्म हो रही है, वेयर शुड आई एंड रीडिंग, ये पता होना चाहिए रिसीवर साइड को। तो उसमें जो है आपका लेंथ फील्ड मदद करता है। लेंथ फील्ड की जो साइज है वो है 2 बाइट की, 2 बाइट यानी कितना 16 बिट्स, कितना 16 बिट्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो ये हो गया आपका लेंथ जो आपके रिसीवर की एक तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है। और ये CRC के बारे में तो आपको पता ही होगा यार, CRC, ओके, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है पूरे अच्छी तरीके से आसान भाषा में एग्जांपल के साथ मैंने CRC को एक्सप्लेन किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आपको कहाँ जाना है, आपको सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको CRC इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करना और CRC का जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे एंजॉय करना, उसे समझना है एग्जांपल के साथ, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं भैया अपने डेटा के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये सारा तामझाम हमने डेटा के लिए तो किया है भाई साहब, है कि नहीं, ये सब जो हमने किया ये डेटा के लिए किया है। तो अभी डेटा के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसा नहीं कि आपको अगर फ्रीडम दे दिया गया है वेरिएबल साइज में कि भैया कितना भी डेटा भेज दो तो आप बहुत बड़ा डेटा भेज दोगे, बराबर, इट्स नॉट द केस, इट शुड नॉट बी द केस। ओके, तो हमें क्या करना है, कुछ लिमिटेशंस रखने हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखने हैं कि कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम डेटा आप सेंड कर सकते हो, ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए, बराबर। तो वो आंकड़े मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। पहले तो मिनिमम की बात करेंगे, फिर मैक्सिमम की बात करेंगे। और यहाँ पे एक तरफ होगा आपका डेटा और एक तरफ होगा आपका पूरा फ्रेम का साइज, बराबर। तो लेट्स कंसीडर नाउ, ओके, तो आपका जो फ्रेम है उसका जो मिनिमम साइज है वो होना चाहिए 64 बाइट एटलीस्ट, ओके, मतलब इतना होना चाहिए, इससे भी ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम की बात चल रही है। तो आपका फ्रेम जो है उसका साइज जो है 64 बाइट होना चाहिए। और फ्रेम में हम किस किस फील्ड को गिन रहे हैं, यहां से यहां तक, फ्रॉम डेस्टिनेशन एड्रेस टू CRC, हम यहां तक एक फ्रेम की साइज को गिन रहे हैं, बराबर। तो अगर ये मिनिमम 64 बाइट है तो भाई साहब डेटा की साइज कितनी होगी, लेट्स कंसिडर इट, लेट्स कैलकुलेट इट। कैसे, ये 6 बिट का, ये 6, 12, 12 और 2 इट इज ऑब्वियसली 14, 14 और 4 18, बराबर है, तो 18। तो अभी ये तो भैया 18 बाइट तो पहले ही ऑक्यूपाइड है बाय द अदर फील्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव फ्रेम, तो हमें सिर्फ डेटा की साइज चाहिए, तो वो कितनी होगी, 64 - 18, इट इज नथिंग बट द 46 bytes। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, सिंपल। ये आपका मिनिमम रिस्ट्रिक्शन है ऑन द डेटा टू बी सेंड एंड द फ्रेम टू बी, दैट इज द फ्रेम साइज। ये हो गया मिनिमम। चलो अभी मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम कितना डेटा भेजा जाना चाहिए। तो मैक्सिमम का जो आंकड़ा है वो सामने निकल के आता है, वो है 150, एक और लगा दूं 0 byte। 1500 बाइट आप मैक्सिमम एक रिस्पेक्टिव फ्रेम में एज अ डेटा सेंड कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर ये मैक्सिमम है तो फ्रेम की मैक्सिमम साइज क्या होगी, सिंपल है, पहले 18 अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अभी 18 ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1518 bytes। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट।
ओके, दिस इज अबाउट द डेटा एंड द फ्रेम साइज दैट यू शुड नो, वेरी इंपॉर्टेंट। आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, इनको याद रखना, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ये आंकड़े आपकी काफी मदद करेंगे टू ब्रिंग गुड मार्क्स एंड प्लस ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।